बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 3 में आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ हम की वेरीफिकेशंस करेंगे, ये हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहला सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट, इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और ये सेट बेल्डर नोटेशन में गिवन है, इसको आप लोग इस तरह रीड कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड वन लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 20। मतलब हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होगा वो नेचुरल नंबर का सेट होगा और वो स्टार्ट होगा 1 से लेकर 20 तक। फिर हमें इसके साथ सेट ए बी गिवन है और सेट बी बी गिवन है। हम ये प्रूव करेंगे डी मॉर्गन लॉ इस तरह है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर यहाँ पे यूनियन आएगा तो यहाँ पे फिर इंटरसेक्शन होगा, और अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाए मैं लिख दूंगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन करूँगा ए और बी के दरमियान, फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में एक दिया जा सकता है, आप इसको इसकी मदद से भी प्रूव कर सकते हैं या आप लोग इसकी मदद से इसको भी प्रूव कर सकते हैं। इसको कहते हैं डी मॉर्गन लॉ। तो मैं इसको फर्स्ट पार्ट से प्रूव करूंगा। ठीक है, मैं लिख दूंगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड करूँगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी किया जाएगा, देखो पहला यहाँ वन मौजूद है, वन लिख दो, फिर टू थ्री ये लिख दिया, फोर बी है, फाइव सिक्स सेवन हुआ, यहाँ पे एट बी है, एट नाइन नहीं है, टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन है, फिफ्टीन नहीं है इसमें, सिक्सटीन भी इन्वॉल्व नहीं है, फिर इसके बाद सेवनटीन और 18 हुआ। ये इसका ए यूनियन बी हमने निकाल दिया, ये इसका क्या हुआ, ए यूनियन बी हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए यूनियन बी होल डैश फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी होल प्राइम, आप इसको प्राइम भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं और डैश भी कह सकते हैं। तो इसको आप लोग किस तरह फाइंड करोगे, इसको इस फार्मूले से फाइंड किया जा सकता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट से ए माइनस बी को, ए यूनियन बी को माइनस करोगे, 17 इंटू 18। अब यहाँ पे देखो इसका कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह लेंगे, सेट यू के वो एलिमेंट्स, सेट यू के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में बिलोंग नहीं करते, ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करते। आप लोग इस तरह कर सकते हैं, वन वन के साथ कैंसिल हुआ, टू टू के साथ कैंसिल करो, थ्री थ्री कैंसिल हुआ, फोर कैंसिल हुआ, फाइव सिक्स सेवन एट तक कैंसिल हुआ। ठीक है, इस तरह टेन कैंसिल हुआ, एलेवन भी कैंसिल करो, ट्वेल्व भी कैंसिल करो, थर्टीन हुआ, इस तरह फोर्टीन हुआ, इस तरह सेवनटीन हुआ, और इस तरह हमारे पास 18 हुआ। तो यहाँ पे सेट यू में कौन कौन से एलिमेंट रह चुके हैं, सेट यू में हमारे पास पहला रह चुका है 9 आ चुका है, 15 आ चुका है, 16 19 इंटू 20। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ये क्या जाएगा, 9 15 16। तो ये हमारे पास हुआ लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड। अब हम प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है यू माइनस ए, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, यू माइनस ए है। ठीक है, तो उसी तरह
तो आप लोग ए डैश किस तरह फाइंड करोगे, ये यूनिवर्सल सेट से आप सेट ए को माइनस करो। तो इसका आसान तरीका ये है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे कैंसिल करो, टू कैंसिल हुआ, थ्री कैंसिल हुआ, फाइव कैंसिल हुआ, इस तरह सेवन भी ये सारे एलिमेंट्स कैंसिल करो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे हमारे पास इसके साथ, फोर सिक्स एट नाइन टेन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन एटीन 19 और 20 हो करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट आप लोग इस तरह कर सकते हैं, यू माइनस बी लिखो 17 18। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सीट यू 1 से लेकर 20 तक लिख दिया, बाकी एलिमेंट्स में मैं इसमें नहीं लिख दिए, और ये मैंने सेट बी कंप्लीट लिखा। अब आप लोग इसका कॉम्प्लीमेंट किस तरह फाइंड करोगे, यहाँ तो मैंने आप लोगों को कैंसिलेशन किया, आप लोग सेट बी को देखो। अब जो जो नंबर 1 से लेकर 20 तक सीट बी में मिसिंग है तो वही आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट होगा। मतलब सीट बी में कौन सा नंबर मिसिंग है, सीट बी में यहाँ पे हमारे पास 2 मिसिंग है, 3 नहीं है, 5 मिसिंग है, इस तरह 7 मिसिंग है, 9 हुआ, 11 12 13 इस तरह 15 16 19 एंड 20 है। ये सारे नंबर्स यहाँ पे सीट बी में मिसिंग है, तो यही आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये जो 2 3 5 7 9 है ये सीट यू में बिलोंग करते हैं और ये सीट बी में बिलोंग नहीं करते। आप लोग इस तरह भी पॉइंट कर सकते हैं, सेक्शन लो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो इंटरसेक्शन किए थे एक जैसे, वो इसमें एक जैसा नंबर कौन सा है, 9 इधर बी है और 9 इधर बी है, इसमें कामन है, एक टर्म ये हुआ। इसके अलावा 15 इधर है और 15 इधर बी है, इसके अलावा 16 भी यहाँ पे मौजूद है, इस तरह हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, ए डैश यूनियन बी डैश था। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुका है, इस तरह लिस्ट के लिए कंपेरिजन लेफ्ट हैंड साइड से करो, 9 15 16 19 एंड 20। तो हमने ये प्रूव किया कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर आप यहाँ पे सबसे पहले इंटरसेक्शन करोगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करोगे, तो फिर ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।